मेरे को क्या देना है? खाना खाना देना है। खाना कौन बनाएगा? मैं बनाएगा। दोनों पैरों पर बैठिए। उधर कब तक चले ना? या बाय। ब्रश करे, ब्रश कर ले। अब सुबह सुबह आएंगे। अब आगे अच्छा बताओ, आप ब्रश कर ले। लेट्स गो। एप्पल आ रहा हूँ। आज वॉश करके आज। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और आज का आगाज करते हैं सुबह सुबह से। तो आज मैं अभी नाश्ता बनाने किचन में आई हूँ और आज मैं बना रही हूँ हलवा पूड़ी फाइनली, क्योंकि ये मेरा बहुत ही लंबे अरसे का से प्लान था कि मैं हलवा पूड़ी घर पे बनाऊंगी, क्योंकि COVID-19 की वजह से हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं खा रहे थे। फाइनली आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा पूड़ी, और उसके अलावा आपके साथ आज की बाकी की थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की रूटीन होगी वो भी शेयर कर देंगे। तो आप चलते हैं जल्दी से मैं नाश्ता बना। ओके जी, तो हमारे चने हो गए हैं बिल्कुल रेडी, क्योंकि जो तरकारी होती है आलू की सब्जी है वो भी हमारी रेडी हो गई है, और यहाँ पे हमारा हलवा भी रेडी है। दरमियान में मैंने थोड़े से बादाम रख दिए और साइड पे मैंने गिरी रख डाल दी है प्यारा दिखने के। हमारा नाश्ता हो गया है रेडी, हमारी हलवा पूड़ी भी बन गई है, और ये देखें, और इसके साथ हमारा ये चने भी रेडी हैं, आलू भी रेडी हैं, यहाँ पे है हमारे पास अचार और साथ में हलवा। रेडी होने के बाद हम लोगों को इतनी भूख लगी थी, मैं अभी खाना रख के वापस गई हूँ और आई हूँ तो खाना शुरू हो चुका हुआ था, सब खाने लग गए थे, पापा भी और आदिल भी। तो कोई वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने जब अपना फर्स्ट बाइट ले रही थी तो तब मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। और नाश्ता मज़े का था, हलवा पूड़ी भी अच्छी बनी हुई थी, इतनी इसका रिव्यू आगे आपको मिल जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिप्स पर लगाया हुआ था मास्क, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा, आगे आगे करके डाल दो। क्या डाल रहे हो? अच्छा इधर बताओ। हाय बुक स्पैरो को भूख नहीं लगी थी? स्पैरो को आके खाना खा ले। हाँ जी, और डाल दो। क्या डाल रहे हो? स्पैरो का खाना डाल रहे हो अभी? ओके ओके। अच्छा बताओ आप किधर जा रहे हो? दादा घर। दादा बू साथ? तो दादा बू को पापा को अगर तंग किया तो अगर तंग किया तो क्या होगा? पिटाई। कौन करेगा पिटाई? मम्मा करेंगी, दादा बू को तंग नहीं करना। ओके ओके जी, तो सुबह का नाश्ता हो गया था बहुत हैवी, तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 4 से 5। तो दोपहर का खाना तो मैंने नहीं खाया, लेकिन अभी मैंने अपने लिए चाय बना लिया, साथ में मैंने रखी अपने लिए विस्टर्स बिस्किट, अभी मैं ये खाने लगी हूँ। और सुबह का जो नाश्ता था हलवा पूड़ी बहुत मज़े की बनी थी, यानी कि सालन भी अच्छा था, आलू की सब्जी भी जो बनाई थी वो भी अच्छी थी, हलवा भी बहुत अच्छा बना था। पूड़ियाँ का जो था ना थोड़ा सा मसला हो गया था, इतनी बुरी नहीं थी, फूली थी लेकिन वो हाफ हाफ फूल रही थी और हाफ हाफ वो नहीं फूल रही थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि वो खाई ना जाए, बहुत हैवी हो गया था, यानी कि 1 से 2 पूड़ियाँ खाई थी तो वो बहुत हैवी हो गया था। तो अगर आपके पास हलवा पूड़ियों की अगर आपके पास अच्छी सी रेसिपी है तो आप मुझे लाजमी नीचे इनबॉक्स कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो ट्राई करूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि नेक्स्ट टाइम अच्छी बनी है कि नहीं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। अच्छा, तो दूसरी बात जो मैंने करनी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये है कि आप लोग मुझे जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है मुझे मिल जाता है, ठीक है। जो चैनल मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं फॉलो बैक कर देती हूँ, यानी कि उनका चैनल सब्सक्राइब कर देती हूँ, बट आप लोग एक काम किया करें, आप लोग नीचे अपने चैनल का लिंक ना दिया करें, क्योंकि जब आप नीचे चैनल का लिंक देते हैं ना तो आपका जो चैनल है वो स्पैम में चला जाता है, और आपका मैसेज जो किया था वो भी स्पैम में चला जाता है। मुझे जस्ट नोटिफिकेशन में शो हो रहा होता है, मुझे आपका जो मैसेज है वो मैसेज ओपन करने से वो ओपन नहीं होता, इट्स मीन कि वो स्पैम में चला गया। इस तरह से
आपको नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं है। जिनके आप नीचे इनबॉक्स में जाके कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका चैनल स्पैम में जा रहा है। आप नीचे अपना चैनल का लिंक किसी के भी इनबॉक्स में ना दिया करें काइंडली। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली 2 मिनट तक लाजमी देख लिया करें, ताकि 2 मिनट का वॉच टाइम मुझे मिल जाया करे। वरना तो अगर आप मेरे चैनल को स्किप करके देखते हैं, मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इस तरह से मेरा वॉच टाइम भी स्किप हो जाता है, डाउन हो जाता है, और सब्सक्राइबर भी मेरे ड्रॉप हो जाते हैं। तो काइंडली आप 2 मिनट के लिए देख लिया करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।